हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लेस पैटर्न किस तरह से बनाया जाता है। तो लेस पैटर्न को हम अपनी लैंग्वेज में अगर बोले तो रंगोली कहा जाता है। तो इसके अंदर लेस पैटर्न किस तरह से बनेगा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर नाम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट का। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, फाइल में जाके न्यू पे, और यहाँ से डॉक्यूमेंट का नाम, अभी मैं इसका नाम लिख रहा हूँ लेस पैटर्न, और यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 1 रहेगा, साइज डजेंट मैटर, बट यहाँ पर जो साइज़ आप देने वाले हो, सपोज आप 500 पिक्सल, पिक्सल को छोड़ो, आप एमएम ट्राई करो। तो एमएम यहाँ पर चूज़ कर लिया। अब इसके अंदर आके 500 500 एमएम का एक साइज़ हमने बना लिया, देन और कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट ओके लाइक दिस। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने इस तरह से आएगा, ये स्क्वायर टाइप में बन गया एक पेपर। अच्छा, देन ये सारा काम होगा हमारा लेयर के ऊपर। अच्छा, लेयर कहाँ से मिलेगी? अगर लेयर यहाँ पर ये इस तरह से लेयर नहीं मिलती है हमें, तो क्या करना है, विंडो में जाना है, यहाँ से लेयर का पैनल्स मिल जाएगा, F7 इसकी शॉर्टकट है, तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, सो अभी लेयर को हम ऑन कर लेते हैं। अब लेयर पे देखा है कि हमने लेयर 1 है, ठीक है, इसका नाम हम डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है। तो लाइन लेते हैं, यहाँ से लाइन, लाइन टूल लिया, और कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर से करोगे, आप यहाँ से भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। और ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका साइज़ हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके। और ऐसी लाइन एक और हम कॉपी कर लेंगे ऑल्ट के साथ, ठीक है, एक और लाइन आ गई। इसको हम घुमा देंगे थोड़ा सा, यानी कि 90 डिग्री पे इसको घुमाएंगे, ट्रांसफॉर्म में चले जाओ उस पर क्लिक करके, और यहाँ से आएगा ऑप्शन रोटेशन का, 90 डिग्री प्रेस करके और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेंटर में लाने पेज के, तो सबको सेलेक्ट किया, और यहाँ से ये अलाइन टू सेलेक्शन है, इसके अंदर आके अलाइन टू आर्टबोर्ड कर लो, और फिर इसको एडजस्ट करना है सेंटर। यहाँ से हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, और ये वर्टिकली सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, दैट्स इट। अब क्या करना है, इसी ये जो लेयर है इसी को हमने ड्रैग करके एक और कॉपी बना ली इसकी, ठीक है। तो लेयर 1 हो गया, लेयर 1, और यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने लेयर 2 लिख दिया है, ये लेयर 2 हो गया। अच्छा, अब लेयर 1 पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, यहाँ पर दो बार, एक बार क्लिक करो इस सर्कल पे। अच्छा, इस सर्कल पे एक क्लिक करने से ये फ़ायदा है कि उस लेयर पे जितना भी स्टफ़ है, जितना भी मटेरियल है हमारा, वो सब सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके सारा सेलेक्ट हो गया। अब इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं थोड़ी, 40 कर देते हैं, फिर बाहर क्लिक करेंगे। अभी क्यों नहीं पता चल रहा है हमें, क्योंकि ऊपर एक लेयर है, इसको हाइट यहाँ से करते हैं, हाइट करके देखो तो पता चलेगा कि इसकी ओपेसिटी डाउन हुई है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाली लेयर पे आते हैं, यहाँ पर आके ये हमें हॉरिजॉन्टली वाली लाइन है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। अब ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर पे काम कर रहे हैं, जिस पे ये वर्टिकल लाइन है। अब क्या करना है, इस लेयर पे आके हमें ब्रश का यूज़ करना है, तो ब्रश चलाते हैं। अच्छा, ऑल्ट के साथ मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ उसको, स्क्रॉल व्हील करके अप एंड डाउन। यहाँ पर हमने एक ब्रश चलाया थोड़ा सा, ठीक है, इससे अटैच होना चाहिए। अब जैसे ही इस लेयर के यहाँ सर्कल पे क्लिक करेंगे, तो उस लेयर पे जितना भी स्टफ मटेरियल है वो सब सेलेक्ट हो गया, ओके। अब क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इफेक्ट में, यहाँ से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म चूज़ करके देन यहाँ पर प्रीव्यू ऑन करो सबसे पहले, और इसकी एक कॉपी जनरेट करनी है, और इसकी अपोजिट में जाना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक्स पोजिशन को। एक्स क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टली होती है, जो ऐसे ऐसे होती है,
लेफ़्ट टू राइट, और रिफ्लेक्ट करना है अगर वाई को तो अप एंड डाउन होती है, तो अभी लेफ़्ट टू राइट करना है, एक्स रिफ्लेक्ट करना है। अच्छा, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से मूवमेंट इसकी छेड़नी पड़ेगी, कौन सी, हॉरिजॉन्टली वाली। तो यहाँ पे क्लिक करो और अपने स्क्रॉल, माउस के स्क्रॉल को घुमाओ, तो इस तरह से इसको एडजस्ट कर लो ताकि लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। दैट्स इट, टाइम इतना ही काम था, और ओके करना है। इतना होने के बाद अब आना है फिर से इफेक्ट में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, फिर से ट्रांसफॉर्म। अब सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए पूछेगा एक बार, दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट, तो हमें एग्री करना है इसके साथ, अप्लाई टू न्यू इफेक्ट के साथ, देन प्रीव्यू करना है। और इस बार हम लेंगे यहाँ पर 11 कॉपी इसकी, और 30 डिग्री पे घुमाना है। एक बार इसको अनचेक करके फिर चेक करो, तो इस तरह से देखने को मिलेगा, देन ओके करना है, और कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, तो काम हमारा फिनिश हो चुका है 90%। अब 10% डिपेंड करता है कि हमारा ब्रश किस तरह से चल रहा है। ब्रश को चूज़ किया और यहाँ से ब्रश हमने इस तरह से चलाया, तो देखिए एक साइड चलाया पर ये सारा जगह अप्लाई हो रहा है, सारी जगह अप्लाई हो रहा है इस तरह से। अगर यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करते हैं तो ऐसे डिज़ाइन होगा। इसमें ये खास बात है, अगर आप ऐसे ही माउस को किसी भी पोजीशन में घुमा दोगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा अच्छा डिज़ाइन। बट मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। चलो, तो इस इतना ही मान लो, अभी हमारी इतनी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। मेन पर्पस हमारा ये था कि एक साइड में अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों साइड यानी कि हर जगह अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये रंगोली बन चुकी है। देन इसके बाद अब इसके अंदर कलर फिल करने की बात आती है, तो कलर फिल करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होता है। अभी कौन सी लेयर एक्टिव है, यानी कि टू लेयर एक्टिव है, इसी लेयर को हमें सेलेक्ट करना है इस तरह से, और ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने से ये चीज़ कर्व में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार जूम करके देखो, अगर इन लाइनों के बीच में यानी कि हमारा जो ब्लैक पार्ट है उसके बीच में एक लाइन आ रही है ब्लू कलर की, इसका मतलब ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, एक्सपेंड नहीं हुआ है। तो फिर से एक बार करते हैं, ये मैसेज जब तक नहीं आएगा जब तक हमें एक्सपेंड करते रहना है। ये फिल और स्टॉक दोनों को एक्सपेंड करेगा, दोनों को ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो अब देखिए जूम करके, इनके बीच में कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब ये एक्सपेंड हो चुका है। दैट्स इट, एंड इसी लेयर पे एक्टिव होते हुए हमें इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाना है। अभी देखो कलर यहाँ पर ब्लैक है, तो मैं रेड कर लेता हूँ, रेड या थोड़ा सा पिंक। यहाँ पर एक इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल पे क्लिक करा और राइट क्लिक करके इसको अरेंज पे जाके सेंड टू बैक करना है, बिल्कुल पीछे करना है इसको। अब सबको सेलेक्ट करते हुए हमें पाथ फाइंडर ऑन करना है। पाथ फाइंडर देखो हमारे यहाँ पे इस तरह से ऐड हुआ पड़ा है। यहाँ से विंडो में जाके आप पाथ फाइंडर को ऑन भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और F9 प्रेस करके भी। तो ये यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया, ये इसका पैनल ओपन कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ नीचे से थर्ड ऑप्शन है मर्ज का, मर्ज पे क्लिक किया। अब मर्ज करते ही क्या हुआ कि वो एक एक्स मतलब कवर हो गया है, ग्रुप सा बन गया है। कुछ चीज़ें इसने हटा दी हैं अपने अकॉर्डिंग। अब राइट क्लिक करना है और अनग्रुप करना है। अब इसके ग्रुप किस तरह से अलग करेंगे, ये हमने बाहर का इस तरह से हटा दिया। ये देखिए हम इनके पार्ट को ऐसे अलग करके हटा सकते हैं। अब ये भी ग्रुप है, रिलीज कंपाउंड पाथ, कंपाउंड पाथ करने पर ये ऐसा डिज़ाइन देगा, कोई बात नहीं। तो किसी एक पे अगर क्लिक करके देखें तो पार्टिकुलरली एक शेप बन चुकी है ये। इनको सेलेक्ट करके अगर अलग उठा के रखें तो ये इजीली रख सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये है कि किसी भी शेप को हम क्लिक करके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये इस तरह से।
ठीक है। तो कलर का प्रोसेस आपने देखा इस तरह से होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो उसके अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे।